नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी इस YouTube चैनल में। हम देख रहे थे बहमनी साम्राज्य, जिसके अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बरार और बीजापुर के संबंध में। इन राज्यों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो देखते हैं सबसे पहले बरार। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य था बरार। 1484 से लेकर के 1574 तक ये बना रहा। सबसे पहले स्वतंत्र हुआ और सबसे पहले ही इसका अंत हो गया। लगभग 90 वर्ष तक ये जो है अस्तित्व में बना रहा बरार। बरार की स्थापना की थी फतह उल्ला इमाद शाह ने। याद रखिएगा, फतह उल्ला इमाद शाह ने, इसने जो है बरार में इमाद शाही वंश की नींव रखा। इसने अपनी राजधानी बनाई एलिचपुर को, और दूसरा गाविलगढ़। एलिचपुर और गाविलगढ़ दोनों इनकी राजधानी थी। मैंने आप लोगों को बताया था महमूद गवां के बारे में, जो कि बहमनी साम्राज्य में शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय का प्रधानमंत्री था। उस समय जो है महमूद गवां सर्वेसर्वा बन गया था, सब कुछ महमूद गवां ही था। तो महमूद गवां ने जो है फतह उल्ला इमाद शाह को गाविलगढ़ का तरफदार नियुक्त कर दिया था, मतलब कि इसको जो है वहां का तरफदार बना दिया था। एक प्रकार से ये जो है बहमनी साम्राज्य का एक अधिकारी था। लेकिन जब महमूद गवां की हत्या कर दी जाती है, जो दरबारियों द्वारा षड्यंत्र रच करके, उसके बाद जो है फतेह उल्ला इमाद शाह क्या करता है, मौके का फायदा उठा करके बरार को बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र कर लेता है। तो इस प्रकार से जो है बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य बरार था। याद रखेंगे, इस जो फतह उल्ला इमाद शाह पहला सुल्तान हुआ, इसके बाद के जो भी सुल्तान है कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आखिरी आपको देखना है बुरहान इमाद शाह, बीच के जो भी शासक थे उनके बारे में मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज हुआ नहीं था, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सीधा हम देखेंगे बुरहान इमाद शाह। इसका एक मंत्री था जिसका नाम था तूफान। बुरहान इमाद शाह के मंत्री का नाम था तूफान। इसने क्या किया, बुरहान इमाद शाह को गद्दी से अपदस्थ कर दिया, मतलब कि उसको जो है सिंहासन से हटा दिया और उसको कैद कर लिया, और खुद बन गया बरार का सुल्तान। कौन? तूफान। अब जो है बुरहान इमाद शाह को कैद कर लिया गया है। अब यहां एंट्री होती है मुर्तजा निजाम शाह प्रथम की। ये कौन है मुर्तजा निजाम शाह प्रथम? तो ये है अहमदनगर का सुल्तान। देखिए, अहमदनगर भी बहमनी साम्राज्य से टूटकर बना था, तो अहमदनगर का सुल्तान था ये मुर्तजा निजाम शाह प्रथम। तो ये आता है और बुरहान इमाद साहब को कैद से मुक्त करवाता है और वापस उसको जो है बरात की गद्दी पर बैठाता है। तो यहाँ जो है मुर्तजा निजाम साहब प्रथम हेल्प करता है बुरहान इमाद साहब से। और आगे चल करके कुछ समय बाद 1574 में मुर्तजा निजाम साहब क्या करता है, बरार को अहमदनगर में मिला लेता है। मतलब कि पहले तो उसने बरार की सहायता की, और उसके बाद जो है मौके का फायदा उठा करके उसने जो है बरार को ही हड़प लिया। तो याद रखेंगे, बरार का विलय जो है 1574 में अहमदनगर में हो गया था। किसने मिला लिया था? मुर्तजा निजाम साहब प्रथम ने। अच्छा, उसके बाद जो है 1596, देखिए 1595-96 में क्या हुआ, मुगल सम्राट अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया। अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया और क्या किया, अहमदनगर को परास्त कर दिया। और संधि की शर्तों के अनुसार अहमदनगर ने क्या किया, ये जो बरार है जो कि 1574 में अहमदनगर ने अपने राज्य में मिला लिया था, तो बरार दे देता है मुगलों को। तो इस प्रकार से जो है बरार पर अब किसका अधिकार हो जाता है 1596 के बाद, मुगलों का। और एक चीज ये भी याद रखेंगे कि बहमनी साम्राज्य का पहला राज्य था बरार, जो कि मुगलों के अधिकार में चला गया था। सबसे पहले बना, सबसे पहले ये टूटा, और सबसे पहले मुगलों के अधिकार में चला गया। तीन चीजें याद रखना है आपको, 1574 में अहमदनगर ने अपने राज्य में मिला लिया, और 1596 में जो है मुगलों ने अहमदनगर से छीन लिया। तो बस बरार के विषय में आपको इतना ही याद रखना है। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखेंगे कि 1565 में तालिकोटा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बहमनी साम्राज्य की ये सभी राज्यों ने मिल करके विजयनगर साम्राज्य की मतलब विजयनगर साम्राज्य को जो है पूरी तरह से लगभग लगभग समाप्त ही कर दिया था। हालांकि बाद में भी विजयनगर साम्राज्य चलता रहा था, लेकिन जो है तालिकोटा के युद्ध के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य का जो वैभव था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो इस युद्ध में, तालिकोटा के युद्ध में बरार सम्मिलित नहीं था, बाकी के बाकी जो चारों राज्य थे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, वो सभी शामिल थे, लेकिन बरार शामिल नहीं था। ये प्रश्न भी जो कई बार पूछा गया है कि तालिकोटा के युद्ध में कौन सा राज्य शामिल
नहीं था। तो याद रखना है आपको बरार, क्योंकि देखिए बरार और अहमदनगर के बीच थोड़ी सी खटास आ गई थी, मतलब कि उसका जो हेल्प किया था, सहायता किया था, तो एक तरह से जो है उसको कोई महत्व नहीं दिया जा रहा था होगा, इस कारण से उसको जो है उस गुट में शामिल नहीं किया गया होगा। तो बस बरार के संबंध में आपको इतना ही याद रखना है। अगला राज्य देखते हैं बीजापुर, जो कि 1489-90 में स्वतंत्र हुआ था और 1686 तक बना रहा था। इसका संस्थापक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह इसका संस्थापक था। इसने जो है बीजापुर में आदिल शाही वंश की नींव रखी, मतलब कि इसने जो वंश चलाया, कौन सा वंश था? आदिल शाही वंश। इसने जो है अपनी राजधानी बनाई नौरसपुर को। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे कि ये जो नौरसपुर है, इसकी स्थापना की थी इब्राहिम आदिल शाह ने, जो इसके बाद आगे शासक होगा, तो उससे पहले जो है राजधानी बीजापुर रही होगी। यूसुफ आदिल शाह के संबंध में एक बात याद रखेंगे कि इसने स्वयं को तुर्की के ऑटोमन वंश का वंशज बताया। देखिए उस समय जो है तुर्की में ऑटोमन वंश नाम का एक जो है राजवंश शासन करता था, जो कि बहुत ही महान राजवंश माना जाता था। कई वर्षों तक उसने जो है तुर्की पर शासन किया था। तो यूसुफ आदिल शाह जो है स्वयं को उनका वंशज बताता था। जैसा कि हमने देखा था शुरू में, जो बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह, उसने जो है स्वयं को ईरान के इस्फंदियार के वीर पुत्र बहमन शाह का वंशज बताया था। तो ठीक उसी प्रकार से यूसुफ आदिल शाह ने स्वयं को ऑटोमन वंश का बताया था। यूसुफ आदिल शाह के बाद कुछ और सुल्तान हुए थे, वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। सीधा आपको अगला शासक याद रखना है, अली आदिल शाह प्रथम। अली आदिल शाह प्रथम जो कि 1558 से लेकर के 80 तक बीजापुर का सुल्तान बना रहा। इसके समय में आपको याद रखना है चांद बीबी। चांद बीबी कौन थी? तो ये थी अहमदनगर की सहजादी। अहमदनगर, आगे हम पढ़ेंगे अहमदनगर के बारे में, तो अहमदनगर की सहजादी थी चांद बीबी। इसका जो नाम था चांद खातून था, चांद खातून, लेकिन ये जो है इतिहास में चांद बीबी के नाम से मशहूर है। इसके अलावा जो है इनको चांद सुल्ताना भी कहा जाता है। तो चांद बीबी का निकाह हुआ अली आदिल शाह प्रथम से। ये जो आगे हम पढ़ेंगे चांद बीबी के बारे में, अहमदनगर राज्य जब पढ़ेंगे तो उस टाइम पे इनके बारे में पढ़ेंगे। अली आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है 1580 में, तब जो है चांद बीबी वापस चली जाती है अहमदनगर में। ये जो चांद बीबी थी अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निजाम शाह प्रथम की बेटी थी। अगला आपको याद रखना है तालीकोटा का युद्ध, जो कि अली आदिल शाह के समय लड़ा गया था 1565 में। तो इस तालीकोटा के युद्ध में जो है अली आदिल शाह का स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण था, इसने जो है नेतृत्व किया था। इसके बाद अगला सुल्तान याद रखिएगा इब्राहिम आदिल शाह, जो कि अली आदिल शाह प्रथम के बाद बीजापुर का सुल्तान बना। इसको जो है जगत गुरु और अबला बाबा भी कहा जाता था। जगत गुरु और अबला बाबा, मतलब कि इसकी उपाधियां थी। जगत गुरु इसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जो है विद्वानों को संरक्षण देता था, खुद भी जो है बहुत बड़ा विद्वान था। अबला बाबा इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जो है गरीबों का बहुत सहायता करता था, गरीबों की बहुत सेवा करता था, इस कारण से इसको अबला बाबा कहा गया है। इब्राहिम आदिल शाह ने 1618-19 में बीदर पर अधिकार कर लिया। बीदर जो कि सबसे आखिर में स्वतंत्र हुआ था बहमनी साम्राज्य से, तो इब्राहिम आदिल शाह ने जो है 1618-19 में बीदर पर अधिकार कर लिया, मतलब कि बीदर को जो है बीजापुर राज्य में मिला लिया। इसने एक पुस्तक की रचना की थी, उसका नाम याद रखेंगे किताब ए नवरस, किताब ए नवरस, और ये जो है हिंदी में लिखी गई थी और इसका जो सब्जेक्ट था संगीत, मतलब कि ये जो पुस्तक है किताब ए नवरस संगीत पर आधारित थी। इसमें विभिन्न प्रकार के रागों का विवरण है, जो भी इसमें कविताएं लिखी हुई है वो सब जो है विभिन्न प्रकार के रागों से संबंधित है, जो संगीत में होता है ना जो राग, तो उससे संबंधित है ये पुस्तक किताब ए नवरस। हिंदी में लिखा गया है किसके द्वारा? इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा। इसके समय में जो है मोहम्मद कासिम नामक एक व्यक्ति रहता था इसके दरबार में, जो कि फरिश्ता के नाम से मशहूर था। फरिश्ता, इसने जो है एक पुस्तक लिखी नासिर ए फरिश्ता, याद रखेंगे दोनों को, किताब ए नवरस इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखा गया और नासिर ए फरिश्ता ये किसके द्वारा? मोहम्मद कासिम के द्वारा। इसने जो है नवरसपुर नामक नगर बसाया, जो कि इनकी राजधानी थी। इसके बाद के शासक जो है उतने महत्वपूर्ण नहीं है। सीधा इसके जो आखिरी शासक थे, मतलब कि जो बीजापुर का जो अंतिम सुल्तान हुआ, उसका नाम आपको याद रखना है सिकंदर आदिल शाह, जो कि 1672 से 86 तक सुल्तान रहा। 1686 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने यहाँ आक्रमण करके बीजापुर को जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया।
तो बीजापुर राज्य के बारे में बस इतना ही। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं बीजापुर राज्य में स्थापत्य मतलब कि क्या क्या कौन कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया गया था बीजापुर के शासकों द्वारा। जामा मस्जिद, गगन महल, इन दोनों का निर्माण करवाया था अली आदिल शाह ने। ये है ना अली आदिल शाह, इसने जो है जामा मस्जिद और गगन महल का निर्माण करवाया था। तो याद रखेंगे बीजापुर के जामा मस्जिद और गगन महल। झंझीरी मस्जिद, इसका निर्माण करवाया था इब्राहिम आदिल शाह ने। गोल गुंबद जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध है, पूछा जाता है कई बार कि बीजापुर का गोल गुंबद किसने बनवाया था, किससे संबंधित है, तो ये जो है मुहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। याद रखेंगे मुहम्मद आदिल शाह का मकबरा है गोल गुंबद, कहाँ स्थित है बीजापुर में। उसके बाद देखिए इब्राहिम का रोजा, ये क्या था इब्राहिम का रोजा, तो बीजापुर राज्य में जितने भी मस्जिद थे उनको संयुक्त रूप से इब्राहिम का रोजा कहा जाता था। इब्राहिम का रोजा, जितने भी मस्जिद थे राज्य में सबको संयुक्त रूप से इब्राहिम का रोजा कहा जाता था। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम देखेंगे अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर के विषय में। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।